वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लासेस में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलकुलस में, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चे? जैसे कि क्वेश्चन आप अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपके पास में एक इक्वेशन में एक से ज्यादा वेरिएबल होता है। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। जैसे हमने पीछे भी डिफरेंशिएशन किया वही तरीका लगेगा, और आज की क्लासेस में आप बस पार्शियल डिफरेंशिएशन के कैलकुलेशन पर फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में हम एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन पर आ जाएंगे। देखिए बच्चे, पार्शियल डिफरेंशिएशन की अगर मैं बात करता हूं, तो आपके पास में क्वेश्चन है जेड इक्वल्स टू दिख रहा है आपको? ये नहीं दिखेगा, दिख तो रहा है लेकिन ये कलर ना तो डार्क है ना। देखिए, आपके पास में क्या है, z इक्वल्स टू एक फंक्शन गिवन है, z इक्वल्स टू 2x² + 5xy। तो आपके पास में एक इक्वेशन में और -y³ एक से ज्यादा वेरिएबल है, एक्स वाई है, और आपके पास z फंक्शन है। तो सबसे पहले आपके पास में फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, एक्स वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपको फाइंड करना है, सिर्फ आपको उसी पर फोकस करना है, और जो दूसरा जो रेस्ट ऑफ वेरिएबल होगा या तीसरा जो रेस्ट ऑफ वेरिएबल होगा या चौथा वेरिएबल होगा, आपको वो सब एज अ कांस्टेंट नंबर ट्रीट करना है। तो मुझे एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो एक्स पे फोकस रहेगा, बाकी एक्स के अलावा जो भी वेरिएबल मुझे फंक्शन में मिलेगा, चाहे वो वाई मिले, चाहे वो ए मिले, चाहे वो बी मिले, वो चाहे वो सी मिले, वो सब के सब एज अ कांस्टेंट नंबर लाइक 2, 3, 4, 5 होता है, उसको जैसे ट्रीट करते हैं वैसे ट्रीट करेंगे। कैसे जरा देखिएगा, x के रिस्पेक्ट में तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x का तो करेंगे ही डिफरेंशिएशन, तो ये 2 हो जाएगा इनटू x पावर 1 का, यहां पर प्लस 5 एज अ कांस्टेंट नंबर क्योंकि 5x है, तो 5 रहेगा और x एलिमिनेट हो जाएगा, और आपके पास में y क्या है, y एक आपके पास में कांस्टेंट नंबर है, तो 5y रहेगा। क्लियर है बच्चे? और सिर्फ कांस्टेंट नंबर जैसे कि आपके पास होता है ना, कांस्टेंट नंबर है लाइक 5, 3 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स आपका एलिमिनेट हो जाता है, तो 5 × 3 बचता है ना आपका। उसी तरीके से आपके पास यहां पर सिर्फ यही इसी के रिस्पेक्ट में करेंगे एक्स, तो 5 और वाई बच जाएगा। ये पूरा कांस्टेंट नंबर अगर आपके पास में आ जाए 5 या फिर 8 का क्यूब, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या है, कांस्टेंट नंबर का 0 होता है, तो कांस्टेंट के क्या 0 हो जाएगा। तो आपके पास रिजल्ट क्या आया, डिफरेंशिएशन ऑफ जेड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल इक्वल्स टू 4x + 5y। क्लियर है बच्चे? ये बात समझ में आपको आई या नहीं आई बताइए जरा, कोई डाउट किसी बच्चे को तो प्लीज पूछ लीजिए। चलिए अब जरा सेकंड, आप जो है वाई के रिस्पेक्ट में आप जरा डिफरेंशिएशन आप अपना कैलकुलेट करो। डन? हाँ जी बच्चे, अब देखिए सेकंड क्या है हमारे पास में, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना जेड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई वेरिएबल। अब वाई पे फोकस करेंगे और एक्स आपके लिए क्या हो जाएगा, एज अ कांस्टेंट नंबर हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं यहां पर आप, तो आप वही सेम फंक्शन आपके पास में जेड फंक्शन, तो आपके पास में ये 2x², तो 2 भी कांस्टेंट नंबर है और एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा 0। 5x और y तो हट जाएगा ना, फिर आपके पास में बचेगा 5x और ये माइनस, क्योंकि आपके पास y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और -3y² क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो क्या जाएगा, कैसे डेरिवेटिव ऑफ z फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल इक्वल्स टू -3y² + 5x दिस वन। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ गई हैं, किसी बच्चों को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, कमेंट में आप अपना आंसर करेंगे। दिस वन, चेन रूल, क्वेश्चन रूल, प्रोडक्ट रूल, सब कुछ सेम रहता है, कुछ भी नहीं होता है। तो बस आपका यही था पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर, लेकिन आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए आज की क्लासेस में, ताकि नेक्स्ट क्लास में दिक्कत नहीं हो।
बात करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन की, तो वहां पर लेबर और कैपिटल दो वेरिएबल आएगा जो कि एप्लीकेशन ऑफ हम पार्शियल डिप्रिसिएशन में पढ़ेंगे। इसलिए पहले आज की क्लास में आप प्रैक्टिस कर लीजिए इसका, आप करेंगे पहले, चलिए पहले आप करो। चेन रूल, क्वेश्चन रूल, प्रोडक्ट रूल, जहां पे जिसकी रिक्वायरमेंट है वो वैसे ही एज इट इज लगेगा। हाँ जी देखिएगा, हाँ इस क्वेश्चन में भी देख लीजिएगा, अगर आप लेट ज्वाइनिंग हुए हैं तो थोड़ा बैक जाकर के वीडियो दोबारा देख लो। जेड इक्वल्स टू लॉग, आपके पास फंक्शन तो खैर गिवन है, आपको निकालना है क्या, पहले पहले आप निकालेंगे डेरिवेटिव ऑफ जेड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। तो आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसका, आपका क्वेश्चन है, आप इसका डेरिवेटिव लेंगे लॉग ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस वन। तो हाँ जी, तो आपको एक्स के रिस्पेक्ट में तो सिर्फ एक्स का ही डेरिवेटिव होगा, और एक्स के अलावा जहां पर भी वाई दिखेगा तो अपने दिमाग में कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर ले लो दूसरे वेरिएबल को, 5, 4, 3, 2, और जैसे इसको ट्रीट करते हैं वैसे इसको ट्रीट करो। देखिए डेरिवेटिव ऑफ जेड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, ये आपको पता है, लेकिन ये लॉग एक्स नहीं है ना, एक्स के अलावा कुछ और है, तो कुछ और है तो फिर उसका डेरिवेटिव लेना पड़ जाता है d/dx, एक्स के रिस्पेक्ट में ही होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो डेरिवेटिव ऑफ जेड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1/x² प्लस वाई स्क्वायर। अब डेरिवेटिव यहां पर एक्स का लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x, लेकिन ये तो एक कांस्टेंट नंबर हो गया दूसरा वेरिएबल, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। तो क्या रिजल्ट आया आपका, डेरिवेटिव ऑफ जेड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, चेन रूल लगाया पता है ना आपको, चेन रूल 2x/, में सब कुछ मैं पहले क्लासेस में अच्छे से स्टार्टिंग से बता चुका हूं चेन रूल क्या होता है, कब लगाते हैं, आज बस सिर्फ प्रैक्टिस करने पर पार्शियल डिफरेंशिएशन बच्चे कहते हैं कि सर ये बड़ा डिफिकल्ट है डिफिकल्ट है, ऐसा तो कुछ इसमें है नहीं बच्चे जो कि डिफिकल्ट आप बोलेंगे इसको। चलिए अब मैं सेम क्वेश्चन में निकाल रहा हूं डेरिवेटिव ऑफ जेड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ वाई, तो यहां पर वाई के रिस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव लेना है, फंक्शन हमारे पास में है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस वन। तो डेरिवेटिव ऑफ जेड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ वाई इक्वल्स टू, अगर आप सॉल्व करते हैं तो 1/ में, क्योंकि log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/ में x, लेकिन आपका ये x नहीं है ना, x के अलावा कुछ और आ गया आपके पास जो होना चाहिए उसके अलावा कुछ हो, तो उसका भी डेरिवेटिव लेते हैं, बट विद रिस्पेक्ट टू y लेना है आपने, तो y लेना है तो y के अलावा जो दूसरा वेरिएबल है वो आपके लिए एज अ कॉन्स्टेंट नंबर ट्रीट करना है आपको। सॉल्व करेंगे आप 1/x² प्लस वाई स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं आप तो आपके पास में x तो क्या हो जाएगा 0, और प्लस ये हो जाएगा आपके पास में 2y। तो यहां पर डेरिवेटिव आपका जाएगा जेड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल्स टू 2y/x² प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चे बीच में से जो बच्चे क्लासेस देख रहे हैं तो उनको शायद समझ में नहीं आएगा चेन रूल क्या है, डेरिवेटिव सर कैसे ले रहे हैं, आप कैलकुलस की क्लासेस फर्स्ट से आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके समझ में आएगा, और जो बच्चे स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं उनको पता लग गया कि भैया कुछ भी नहीं है, बस एक बार एक क्वेश्चन में हिंट मिल गया, सारे क्वेश्चन कर सकते हो आप। जैसे कि यहां पर आप देखेंगे जेड इक्वल्स टू लॉग एक्स अपॉन वाई, फाइंड द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई, और आल्सो आपको प्रूफ करना है कि एक्स फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई इंटू विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल्स टू 0 होगा। चलिए करें,
पहले डेरिवेटिव तो निकाल लीजिए, बाद में प्रूफ करेंगे। डन बच्चे, देखिएगा सामने देखिए, कमेंट में कोई बच्चा आंसर नहीं कर रहा आज, क्या बात है। जेड इक्वल्स टू लॉग एक्स अपॉन वाई, आपको फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ जेड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ठीक है जी, हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, किसका, लॉग एक्स अपॉन वाई का। तो यहां पर सिर्फ जेड पे फोकस रहेगा, जेड के अलावा कोई और वेरिएबल दिखेगा तो उसको ऐसा कांस्टेंट नंबर ट्रीट करेंगे, तो यहां पर वाई ऐसा कांस्टेंट नंबर हो गया। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन एक्स, तो लॉग एक्स, तो क्या वन अपॉन एक्स, लेकिन ये एक्स तो नहीं है ना, कुछ और है, तो फिर से मुझे इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, किसका, एक्स अपॉन वाई का। ठीक है बच्चे, अब आप यहां पे क्वेश्चन रूल मत लगा देना कि भैया दो वेरिएबल डिवाइड हो रहे हैं, नहीं बच्चे क्वेश्चन रूल नहीं लगेगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट नंबर है ना वाई आपका, क्लियर है। तो क्या होगा आपके पास में, ये वाई अपॉन एक्स हो जाएगा इनटू, आपके पास में एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वन हो जाएगा, ये आपके पास ऐसे ही होता है ना कि एक बटा आठ और एक्स डेरिवेटिव लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, एक बटा आठ आएगा, एक्स चला जाएगा। उसी तरीके से आपके पास में ये वन अपॉन वाई, ये तो कॉन्स्टेंट नंबर है ना, तो सिर्फ आपके पास में एक्स चला जाएगा तो क्या बचेगा, वन अपॉन वाई, तो क्या बचा आपके पास में, वन अपॉन एक्स बचा यहां पर, क्लियर है। और दूसरे फंक्शन की बात करें अगर हम, तो सेम क्वेश्चन है मेरे पास में, जेड इक्वल्स टू लॉग एक्स अपॉन वाई, तो डेरिवेटिव ले रहे हैं हम जेड फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वाई वेरिएबल, तो यहां पर एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो डी विद रिस्पेक्ट टू वाई फंक्शन जो कि आपका लॉग एक्स अपॉन वाई, सॉल्व करेंगे डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई फंक्शन इक्वल्स टू लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स और इन टू, क्योंकि भैया एक्स तो नहीं है ना, उसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू, लेकिन वाई लेना है, इस बात का ध्यान रखना है आपको यहां पर, तो क्या आपके पास में एक्स अपॉन वाई का लेना है। तो यहां पर एक्स तो कॉन्स्टेंट नंबर है ना बच्चे, क्वेश्चन टू आप नहीं लगा सकते हैं, इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स इंटू, एक्स तो कॉन्स्टेंट नंबर है, तो जैसे कि पांच अपॉन एक्स, तो पांच तो पांच ही रहेगा, लेकिन जब भी अपॉन में एक्स होता है तो क्या हो जाता है, ये पावर वन और माइनस हो जाता है, होता है ना, वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो उसी तरीके से ये वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो माइनस वाई स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो क्या आपके पास में आ गया, वन अपॉन में वाई माइनस का। ठीक है, अब आपको क्या यहां पर प्रूफ करना है उसकी बात करते हैं, एक्स इंटू विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या आ गया, वन अपॉन एक्स एन प्लस वाई के रिस्पेक्ट में तो क्या है आपके पास में, माइनस वन अपॉन वाई, सॉल्व करेंगे तो कट गया, तो वन माइनस वन जीरो आपका प्रूफ हो गया। अब उम्मीद करता हूं कि आपके अंदर क्लैरिटी और अच्छी तरीके से आ गई होगी कि आप पार्शियल डिफरेंशिएशन किस तरीके से आप करेंगे। जेड इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस जेड फंक्शन इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस वाई, देन द फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस, करे फंक्शन एक आपके पास में, एफ को बस एफ ही रखना है, बाकी अंदर काम करना है आपके इसके। हाँ जी बच्चे देखिए, आपके पास फिर डिफरेंशिएशन करेंगे आप जेड इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस वाई, तो अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स के पहले, तो सबसे पहले आपका एफ का डेरिवेटिव हो जाएगा और ये इसको एज इट इज आप सेम रखते हैं, लेकिन ये आपको एज अ चेन रूल लगाएंगे तो दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपके, आपको जिसका एक्स माइनस वाई का, तो डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एफ फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया जो कि आया था आपके पास में दिस, बट अकॉर्डिंग टू चेन रूल एक्स तो आपके पास में क्या हो जाएगा वन, और माइनस वाई एज अ कॉन्स्टेंट नंबर तो ये क्या हो जाएगा जीरो, तो ये वन होगा, तो वन से मल्टीप्लाई करके कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपके पास में एक्स माइनस वाई रहा। इसी तरीके से आप सेम क्वेश्चन जेड इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस वाई डेरिवेटिव लेंगे,
तो एफ फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया, लेकिन ये आपके पास में एक्स की जगह कुछ और है, तो अकॉर्डिंग टू चेन रूल आपको दोबारा से करना पड़ेगा। तो डी जेड अपॉन डी वाई इक्वल्स टू एफ फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स माइनस वाई, और यहां पर आपके पास में एक्स तो आपके पास में कॉन्स्टेंट नंबर रहेगा वाई के रिस्पेक्ट में, तो वाई आपके पास में क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में माइनस वन। क्लियर है बच्चे? आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास में क्या रहने वाला है यहां पर, ये आपके पास में आ गया डी जेड अपॉन डी एक्स एफ एक्स माइनस वाई एंड प्लस प्लस की जिसकी जगह माइनस एक्स माइनस वाई, तो क्या हो गया आपका जीरो आंसर आ गया। चलिए जरा इस क्वेश्चन करेंगे आप, अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड आपको एक्स के रिस्पेक्ट भी निकालना है और वाई के रिस्पेक्ट भी निकालना है। ये बच्चे क्वेश्चन ध्यान रखना, ये क्या है प्लस वाई की क्यूब, क्वेश्चन थोड़ा ठीक कर लो। जेड इक्वल्स टू वाई रेस टू पावर टू एंड ई रेस टू पावर फाइव एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर थ्री, ये ई रेस टू पावर है, थोड़ा तो क्वेश्चन ठीक कर लीजिए। ऐसे ही ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नहीं है, चलिए इसका डेरिवेटिव लें एक्स के रिस्पेक्ट पे और वाई के रिस्पेक्ट पे। डन बच्चों, देखिएगा डेरिवेटिव ऑफ जेड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के कर रहे हैं पहले हम। हाँ जी, तो डिफरेंशिएशन कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई स्क्वायर ई रेज टू पावर फाइव एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, भाई ये रहा। चलिए डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास में एक्स के रिस्पेक्ट में तो वाई एज अ कॉन्स्टेंट नंबर है, तो बस कॉन्स्टेंट नंबर आपके पास में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपके पास में ई रेस टू पावर, सम ई रेस टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आपके पास में क्या रहता है, ऑलवेज ई रेस टू पावर एक्स रहता है, तो वो सेम रहा। लेकिन इस बात को समझिएगा ये एक्स नहीं है ना, कुछ और है, तो दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा मुझे किसका, 5x की पावर 2 प्लस वाई क्यूब, और वाई एज अ कॉन्स्टेंट नंबर है, तो सॉल्व करेंगे वाई रेस्ट टू पावर 2 एंड ई रेस्ट टू पावर 5 एक्स की पावर 2 प्लस वाई की पावर क्यूब, और यहां डिफरेंशिएशन होने के क्या आएगा आपके पास में एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 10x एक कॉन्स्टेंट नंबर है तो जीरो हो जाएगा, तो
तो क्या बना आपके पास में, 10 एक्स वाई रेस टू पावर 2 एंड ई रेस टू पावर 5 एक्स स्क्वायर प्लस वाई रेस टू पावर क्यूब। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको? कोई डाउट है तो पूछिए। अब बच्चे सेकंड की बात करते हैं, सेकंड देखेंगे सेम, जेड इक्वल्स टू वाई रेस टू पावर 2 एंड ई रेस टू पावर 5 एक्स स्क्वायर प्लस वाई रेस टू पावर क्यूब। अब हम जेड के रिस्पेक्ट वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। तो बच्चे आपके पास में ये y के दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, आप तो एक तो ये फंक्शन भी मल्टीप्लाई y के रिस्पेक्ट पे तो फंक्शन है ये आपके पास में, और एक e, e तो हमेशा रहता है आपके पास ये एज अ फंक्शन, क्योंकि e रेस टू पावर y है ना आपके पास में, पूरा कांस्टेंट नंबर नहीं ले सकते हो आप, e रेस टू पावर y है, दो फंक्शन। तो प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट का डेरिवेटिव लेना है, सेकेंड वाला आपको सेम रखना है, प्लस अब फर्स्ट वाला सेम रखना है और सेकेंड वाले का डेरिवेटिव लेना है, दिस वन सॉल्व करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वाई के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, 2y और e रेस टू पावर 5x। क्लियर है बच्चे, इसको एज इट इज रखना है आपको, तो क्लियर है ना, सॉल्व करते हैं। प्लस अब यहां पर ये आपके पास में सेम रहेगा, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e रेस टू पावर x ऑलवेज क्या रहेगा, दिस वन e रेस टू पावर x, लेकिन ईश्वर एक्स नहीं कुछ हो रहा है तो इसका भी डेरिवेटिव करने पड़ेगा वाई के रिस्पेक्ट में, 5x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। तो 2y e रेस टू पावर 5x की पावर 2 वाई क्यूब प्लस वाई रेस टू पावर 2 e रेस टू पावर 5x 2 प्लस, और इसका डेरिवेटिव जब हम करते हैं वाई के रिस्पेक्ट में तो ये पूरा कॉन्स्टेंट नंबर है आपका, ये जीरो हो जाएगा, तो प्लस 3y। आगे आप सॉल्व करेंगे तो 2y e रेस टू पावर 5x 2 प्लस y की पावर 3 प्लस आपके पास में 3y इंटू 3y, 3y की पावर क्यूब एंड e रेस टू पावर 5x स्क्वायर प्लस y की पावर क्यूब। आप सॉल्व करेंगे तो क्या चीज कॉमन आ रहा है इसमें, y भी है और e रेस टू पावर है, तो मैं यहां पर y e रेस टू पावर 5x का स्क्वायर प्लस y क्यूब कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचेगा 2 प्लस और यहां क्या बचेगा 3y का स्क्वायर, दिस वन। क्लियर है बच्चे, तो उम्मीद करता हूं कि अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो इसका मतलब साफ है कि आपको डिफरेंशिएशन की हर एक चीज बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है। थ्री वाई स्क्वायर होगा ना, कहां पर बच्चे कह रहे हैं आप, गलती हुई है, ये 3y स्क्वायर होगा, थ्री वाई, कि y कॉमन ले लिया तो 2 ही रह जाएगा, 3y रह जाएगा। लास्ट स्टेप पे मैंने कॉमन ले लिया बच्चे, एक तो y कॉमन ले लिया मैंने और एक e रेस टू पावर 5x स्क्वायर प्लस y क्यूब मैंने कॉमन ले लिया,
एक गड़बड़ और हुई है मुझसे, वाई के बराबर क्यू था ना, तो थ्री वाई स्क्वायर आएगा यहां पर, और ये थ्री वाई रिश पावर फोर हो जाएगा, और ये थ्री वाई रिश पावर क्यूब होगा। दिस वन ठीक है, अब सही है आपका, क्लियर है बच्चे? यहां बस एक गड़बड़ हो गई थी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो थ्री वाई स्क्वायर आएगा, ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए करिए जरा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही कर दो, दोनों करने की जरूरत क्या, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो। चलिए देखिए बच्चे, डिफरेंशिएशन करेंगे आप इसका, जेड फंक्शन इक्वल्स टू जेड फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास में एक्स रेज टू पावर वाई आपका फंक्शन एक तो यहां पर है एक्स जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई में आ गया वही एक्स दोबारा से, तो एक्स यहां भी है मल्टीप्लाई में एक्स यहां भी आ गया, और एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं दो चीज मल्टीप्लाई में आ जाए तो फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा आपका, तो x रेस्ट टू पावर y इसका डिफरेंशिएशन होगा, और ये सेम प्लस अब फर्स्ट सेम, और आपके पास में इसका डिफरेंशिएशन होगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x y क्या है, y एज अ कांस्टेंट नंबर है, तो अगर आप जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसके ऊपर कोई कांस्टेंट नंबर अगर आपका आ जाए तो कैसे डिफरेंशिएशन होता है, आपके पास में y कांस्टेंट नंबर नीचे आ जाता है और पावर में माइनस वन हो जाता है। क्लियर है बच्चे, समझ रहे हैं इस चीज को, और इनटू में आपके पास में क्या है y एक्स है प्लस, ये तो सेम रहेगा आपका, प्लस इसके रिस्पेक्ट में करेंगे आप एक्स रेस टू पावर वाई का डिफरेंशिएशन, तो ये तो आपके पास में सेम रहेगा, इसका करते हैं तो लाइक कांस्टेंट नंबर के ऊपर पावर आ जाए तो ए रेस टू पावर एक्स का ए रेस टू पावर एक्स होता है और इनटू लॉग ए हो जाता है, ये रहता है, तो सॉल्व करेंगे तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई रेस टू पावर एक्स रहेगा बट इनटू लॉग नीचे वाला कॉन्स्टेंट नंबर रहेगा दिस वन। क्लियर है बच्चे, कोई डाउट किसी बच्चे को, सॉल्व करेंगे आगे आप यहां पर तो क्या आएगा आपके पास में वाई वाई रेस टू पावर एक्स एंड वाई, तो वाई रेस टू पावर एक्स प्लस वन आप बोल सकते हो, बिल्कुल वाई रेस टू पावर एक्स और ये वाई प्लस वन पावर वन और बेस से में पावर ऐड हो गया इनटू एक्स रेस टू पावर वाई माइनस वन प्लस, इसी तरीके से यहां पर आपके पास में एक्स रेस टू पावर वाई एंड वाई रेस टू पावर एक्स और लॉग वाई, ये आपके पास में डिफरेंशिएशन हो गया। क्लियर है, वाई रेस टू पावर एक्स आप ये चीज कॉमन ले सकते थे बट इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। क्लियर है बच्चे, डन, तो ये आपका डिफरेंशिएशन का कुछ क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर है बच्चे, अब यहां पर आपके पास में विद रिस्पेक्ट टू अगर आप एक्स लोगे तो बाकी सारे कांस्टेंट नंबर हो गए ना आपके पास में, चलिए डी यू फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये वन अपॉन में लॉग एक्स, तो वन अपॉन में एक्स, लेकिन आपका एक्स तो नहीं है ना, तो आपको चेन रूल दोबारा लगाना पड़ेगा ना, इसका डिफरेंशिएशन आपको दोबारा लेना पड़ेगा, तो क्या आएगा आपके पास में एक्स का ही होगा बस 2x, बाकी तो कांस्टेंट नंबर है जीरो हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से आपके पास में, इस तरीके से y के रिस्पेक्ट में ले लेना z के और ऐड करके देख लेना तो रिजल्ट आपका बन जाएगा। क्लियर है बच्चे, log y समझ में नहीं आया वो देखिए बच्चे, जैसे है ना किसी भी कांस्टेंट नंबर के ऊपर आपका जिसके रिस्पेक्ट में लेते हैं अगर वो आ जाता तो कैसे इसका डिफरेंशिएशन होता है, वो एज इट इज रहता है और लॉग और उसका जो कांस्टेंट नंबर बेस है वो ऐसे आ जाता है ए रेस टू पावर एक्स का, ये आपका बेसिक रूल है, तो उसी तरीके से मेरे पास में इसका सेम था, इसको मैंने लिया वाई रेस टू पावर एक्स, यहां पर रिस्पेक्ट में किसके ले रहा हूं मैं,
रिस्पेक्ट में एक्स के ले रहा हूं, पावर पर आ गया तो ये एज इट इज रहेगा, और इनटू लॉग आपके पास में बेस आ गया क्योंकि वाई एज अ कांस्टेंट नंबर है। क्लियर है? तो अब नेक्स्ट क्लासेस में आगे टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे और एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ के वाइंड अप करेंगे इसको, उसके बाद हम आगे टॉपिक पे जाएंगे। आपको कितना पढ़ना है डिफरेंशिएशन में, बहुत कुछ है, ट्रिग्नोमेट्री भी है, ज्योमेट्री भी है, तो आप सब कुछ थोड़ी आप करेंगे, आपके जो एग्जाम्स ओरिएंटेड है जो आपके एग्जाम में आप वही पढ़ेंगे, तो इसलिए वो चीजें पढ़ाई जा रही है और आप इसको चेक कर सकते हो कि एग्जाम में आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। तो आप 10 ईयर ले लीजिए, मार्केट में अवेलेबल है शिवदास का, और जैसे मैंने आपके पास में कैलकुलस फर्स्ट करवाया तो आप कैलकुलस फर्स्ट पे आप जाइए पहले स्टार्टिंग के एक्सरसाइज में, उसके सारे क्वेश्चन कर लीजिए, 20-25-30 क्वेश्चन होंगे वो सारे कर लीजिए, वो एग्जाम ओरिएंटेड है। उसके बाद आप पिछले 5 साल के पेपर में से आपका कैलकुलस फर्स्ट जो करवाया है उसके क्वेश्चन सिर्फ सेलेक्ट कर करके वो क्वेश्चन कर लो, आपका कैलकुलस की इनफ प्रैक्टिस हो गई है और कुछ ज्यादा करने की जरूरत इसमें नहीं है। फिर जब मैं आपको एडवांस कैलकुलस करवाऊंगा तो फिर इसी तरीके से एडवांस कैलकुलस का प्रैक्टिस कर लेना है, मैट्रिक्स पढ़ के इसी तरीके से मैट्रिक्स की, तो आप फोकस हो जाइए शिवदास के 10 ईयर पर।